अखिलेश को लेकर फिल छलका शिवपाल का दर्द, बोले हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रोनता चला गया। पुलिस अफसर थानों को गोद लेकर बदलेंगे हुलिया, फरियादियों की सुविधा का रखा जाएगा ख्याल। मथुरा के एक होटल में खाना खा रहा युवक को गोली मारी, मची अफरा तफरी। कासगंज के पटियाली में सड़क दुर्घटना में 8 की मौत, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद, मुख्यमंत्री ने दी बधाई, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक पहुंचे ईदगाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्बाध बिजली आपूर्ति का निर्देश, जरूरत हो तो करें व्यापक बदलाव। सीतापुर की जेल में ही मरेगी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां की ईद, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, 4 को हाई कोर्ट में तारीख। वृंदावन में एंट्री मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार, यमुना एक्सप्रेसवे पर घंटों जाम। रेल यात्री ध्यान दें, दिल्ली हावड़ा रूट की कई ट्रेनों में 1 सप्ताह तक लंबी वेटिंग, ईद व सहलग से बड़ी भीड़। बुलंदशहर से अलीगढ़ में शादी समारोह में शामिल होने आए युवक का शव नहर में मिला। सरोजनी नगर में झुग्गियां गिराने पर अब जुलाई तक रहेगी रोक। पत्रकारों के लिए पाकिस्तान है विश्व की 5वीं सबसे खतरनाक जगह, शहबाज सरकार से की गई खास अपील। इमारत के मलबे से 3 दिन बाद जिंदा निकले गए 2 लोग, अब तक 9 आरोपी।